फ्रेंड्स वेलकम टू सी एम टी कैरियर मेकर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं रमन कुमार आज लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें कि आप देख सकते हैं डी एफ सी सी एल 2018 क्रैश कोर्स फॉर एग्जीक्यूटिव एस एन टी एंड इलेक्ट्रिकल दोनों ब्रांच के लिए हेल्पफुल है। और जो टॉपिक है आज का मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से टॉपिक है आपका टेक्निकल का 20वां वीडियो है और ओवरऑल आपका 39वां वीडियो है 39th वीडियो एंड टेक्निकल 20th वीडियो। सो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसमें कि देख सकते हैं आप मेजरमेंट है मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जिसमें कि मैंने डीएमआरसी जेई के जितने भी क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। टोटल 22 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर के कुछ पूछेंगे, ऐसे तो एग्जाम ही है कुछ भी पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको इसमें मैं पहले ही बता दिया कि सारे क्वेश्चन आपके डीएमआरसी जेई 2014 से 2017 तक का क्वेश्चंस हैं। सो इसमें कॉन्स्टेंटन इज एन एलॉय ऑफ, तो ये आपका मटेरियल साइंस में भी आपने पढ़ा था, तो ये आपका होता है कॉपर और निकेल का एलॉय होता है। तो कॉपर ये देख सकते हैं ऑप्शन 4 यहाँ से। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसका जो रेजिस्टिविटी होती है वो आपका हाई होती है और मेनली ये यूज होते हैं थर्मोकपलर और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीटिंग में इसका यूज किया जाता है। इसका कांस्टेंट रेजिस्टिविटी होता है आपके हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ पीवीसी पेपर सिल्क और कॉटन विदाउट इम्प्रेजेंटेशन इज, तो ये आपका ऑप्शन आपका यहाँ से 3 करेक्ट हो जाएगा, ये 90 डिग्री सेल्सियस का आंसर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसका आपका सेपरेट सबके टेम्परेचर वगैरह ये सब ऑपरेटिंग टेम्परेचर हैं तो आप लोग देख सकते हैं किसी भी मटेरियल मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं द फिजिकल पैरामीटर दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग LVDT। सबसे पहले जानते हैं कि LVDT का जो फुल फॉर्म होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, या फिर दूसरा भी इसका नाम होता है कि ये आपका लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। ये क्या करता है आपके कन्वर्ट करता है मैकेनिकल मोशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इसका ये यूज होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही होगा, 12th में भी हैं आपके, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे आप लोग, इलेक्ट्रिकल में भी हैं। एन आइडल एमीटर हैज, तो आइडल एमीटर का आपका जीरो रेजिस्टेंस होता है और आइडल वोल्ट मीटर का इन्फिनाइट रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे एमीटर की बात किया तो ये आपका जीरो होगा, ऑप्शन 1 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कैन अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ मिस्टेक इन रीडिंग पैरलैक्स इम्प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट लोकेशन एंड इनएडिक्वेट लाइटनिंग। तो इसमें आपका क्या ऑब्जर्वेशन एरर जो होता है वो आपका एरर ऐसा एरर होता है जो कि आपका इम्प्रॉपर ऑब्जर्वेशन और इम्प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट लोकेशन के कारण होता है। तो यहाँ से आपका इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन अराइज, तो इसमें वही बात कर रहा है इम्प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट लोकेशन और इनएडिक्वेट लाइटनिंग की, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन एरर होगा तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें नेम ऑफ द ब्रिज यूज फॉर मेजरिंग लो रेजिस्टेंस, तो आपको पहले बता दूं कि एक व्हीट स्टोन ब्रिज होता है जिसका कि यूज होता है आपके रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, और केल्विन डबल ब्रिज मेथड जो यूज होता है वो होता है लो रेजिस्टेंस के लिए। सो यहाँ से ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज से भी रेजिस्टेंस मेजर करते हैं लेकिन हाई रेजिस्टेंस के लो रेजिस्टेंस के लिए आपको केल्विन डबल ब्रिज मेथड यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है विच टाइप ऑफ एटेनेटर प्रोवाइड्स अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एटेन्यूएशन बाय अलाउइंग द यूजर टू वेरी एटेन्यूएशन इन स्टेप्स, तो इसमें आपका जो लैडर एटेन्यूएटर होता है वो आपका प्रोवाइड करता है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एटेन्यूएशन, यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, द मटेरियल यूज टू प्रोटेक्ट द केबल्स फ्रॉम मॉइस्चर एंड डस्ट, तो ये आपके कम्युनिकेशन में भी है सो लेकिन इसके लिए मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, आपको मटेरियल साइंस में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं और आपके मेजरमेंट से भी रिलेटेड हैं तो मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया। तो इसमें सिंपली जो ये आपका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा लेट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, इसमें है विच टाइप ऑफ फॉलोइंग वेव इज सप्लाइड टू हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ CRO। CRO और CRT आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी एग्जाम में कुछ पूछे ना पूछे CRO से ज़रूर क्वेश्चन पूछता है। तो CRO जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि जो भी एग्जाम आप देखेंगे CRO से ज़रूर क्वेश्चन होता है। CRO का फुल फॉर्म होता है आपका कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, और एक CRT होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, CRT का होता है कैथोड रे ट्यूब। तो यहाँ से आपका जो CRO है तो जो सॉटूथ वेव होता है वो आपके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों के आपके फॉर्म में होता है,
जिसमें कि आपका जो सिग्नल डिफ्लेक्शन सिग्नल यूज किया जाता है जनरेट करने के लिए सीआरटी बेस्ड टेलीविजन में, या चाहे मॉनिटर स्क्रीन की बात कर ले तो उसमें, तो ऑसिलोस्कोप जो है, ऑसिलोस्कोप भी आपको सॉटूथ वेव को यूज करता है अपने हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के लिए। तो यहाँ से आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, सॉटूथ वेव। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, ये एक न्यूमेरिकल है। इसमें है कि ए मूविंग क्वाइल मेजरमेंट हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.6 ओम। तो सिंपली मूविंग क्वाइल का रेजिस्टेंस है, तो आर, इसको RM से डिनोट करते हैं, ये आपका 0.6 ओम दिया हुआ है। आगे पढ़ते हैं, एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन एट 0.1 एम्पियर। तो सिंपली जो IM है वो आपका 0.1 एम्पियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, टू कन्वर्ट इट इंटू एन एमीटर ऑफ 0 to 15 एम्पियर रेंज, रेजिस्टेंस ऑफ शंट शुड बी। तो यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस ऑफ शंट, उसको RSS से डिनोट करते हैं, ये होता है RM/M-1। तो यहाँ से M जो होता है आपका, M होता है आपका I/IM। तो यहाँ से I आपका क्या है, ये 15 एम्पियर, तो 15, IM आपका गिवेन है 0.1, तो ये क्या हो जाएगा आपका, M हो जाएगा आपका 150। सो M हो गया आपका 150। सो यहाँ से पुट कर देंगे, RSH क्या हो जाएगा, RM आपका है 0.6, 150-1 यानी कि आपका 0.6/149। इसको आप देखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.004 ओम हो जाएगा। यहाँ से आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये बोल रहा है, द डिसएडवांटेज ऑफ ए डैश इज दैट इट मस्ट वर्क इन वर्टिकल पोजिशन। तो वर्टिकल पोजिशन में जो ये आपका डिसएडवांटेज है, ये मरकरी वेटेड रीड रिले का, जो कि आपका वर्टिकल पोजीशन में वर्क करना, इसका डिसएडवांटेज है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे है, टू साइनोसाइडल सिग्नल हैविंग अ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर अप्लाइड टू एक्स एंड वाई इनपुट्स ऑफ ए CRO, द ऑब्जर्व लिसाजस फिगर इज स्ट्रेट लाइन, द फेज शिफ्ट बिटवीन द टू सिग्नल वुड बी। आपका मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि CRO काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे क्या होता है कि अगर दोनों सिग्नल अप्लाई करें एक्स और वाई प्लेट CRO के, तो जो साइनोसाइडल, तो क्या होता है, या तो आपका 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है दोनों के बीच में। तो आउटपुट जो लिसाजस फिगर होता है वो आपका स्ट्रेट होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 करेक्ट, आइदर 0 or 180 डिग्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगेन उसी पे है आपका, द लिसाजस पैटर्न ऑब्जर्व्ड ऑन स्क्रीन ऑफ CRO इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू एक्स एक्सिस, इफ एक्स प्लेट इनपुट इज 2 sin ωt, द वाई प्लेट इनपुट इज। यहाँ से क्या होता है आपका, कि जो आपका लिसाजस पैटर्न होता है, 45 डिग्री आपके इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है, 45 डिग्री का आपका कैसा होता है, जैसे ये आपका है, ये 45 डिग्री, तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसमें क्या होता है आपका, कि जो VX होता है वो आपके VY के इक्वल होता है, दैट मीन्स कि ये साइनोसाइडल सिग्नल के लिए। तो यहां से क्या होगा, जो आपका आउटपुट सिग्नल है वो इक्वल हो जाएगा इनपुट सिग्नल के। सो यहां से आंसर आपका सिंपली 2 sin ωt ही रहेगा। सो सिंपली ऑप्शन 1 यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो यहाँ पे है, इन CRO विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गन। तो इलेक्ट्रॉन गन का कौन सा कोई पार्ट नहीं होता है, तो ये आपका XY प्लेट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन गन का पार्ट नहीं होता है। सो यहाँ से आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की, तो इसमें है कि ए कैपेसिटर यूज फॉर पावर फैक्टर करेक्शन इन ए सिंगल फेज सर्किट डिक्रीजेज। क्या होता है, कैपेसिटर अगर यूज करते हैं पावर फैक्टर करेक्शन में, तो वो आपका इंक्रीज होता है पावर फैक्टर और डिक्रीज होता है आपके लाइन करंट इन सिंगल फेज सर्किट में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, कि लाइन करंट एंड इंक्रीजेस PF यानी कि पावर फैक्टर। तो करेक्शन इन सिंगल फेज सर्किट डिक्रीज करता है लाइन करंट को, इंक्रीज करता है आपके पावर फैक्टर को, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फॉलोइंग ट्रांसड्यूसर इज एन एक्टिव ट्रांसड्यूसर। तो आपका एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है, कि जो भी डिवाइसेस होते हैं अगर आउटपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में है, लाइक करेंट, वोल्टेज, चाहे आपके चार्ज, तो वो सारे आपके सेल्फ जनरेटिंग डिवाइस होते हैं और ये आपके एक्टिव ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। तो इसमें क्या होता है आपके, कि इनको एक्सटर्नल सोर्स जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके एग्जांपल आपके हैं थर्मोकपल्स, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल और आपके फोटोवोल्टेइक सेल जो कि PVC। तो यहाँ से आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, पीजो इलेक्ट्रिक माइक्रोफोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ से आपका गिवेन है इन द सर्किट शोन बिलो द वोल्ट मीटर विल रीड। एक्चुअली क्या होता है, आपका जो वोल्टेज अक्रॉस जो आपके ट्रांसफार्मर का जो क्वाइल होता है, क्वाइल के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो जीरो होता है, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज आपका जो है सेम होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जीरो होगा। सो रीडिंग आपका क्या बताएगा अक्रॉस वोल्ट मीटर में, तो रीडिंग भी आपका जीरो बताएगा। यहाँ से डायरेक्टली आपका ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की। तो यहाँ से सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 जो कि यहाँ से है आपका, द फेज करेक्टिंग सर्किट इज। तो फेज करेक्टिंग सर्किट आपका होता है ऑल पास फिल्टर जो होता है वो, उसको यूज किया जाता है आपके फेज करेक्टिंग सर्किट के लिए, चाहे आपके उसको फेज लाइन इक्विलाइजर्स या फिर डीले इक्विलाइजर के लिए भी यूज किया जाता है। यहाँ से आपका ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द रिजोल्यूशन ऑफ ए पोटेंशियोमीटर शुड बी, तो पोटेंशियोमीटर का जो रिजोल्यूशन होता है इनफिनाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोफोन डज नॉट रिक्वायर पोलराइजिंग करेंट। तो आपका यहाँ से ऑप्शन वन क्रिस्टल माइक्रोफोन, मैंने पहले ही बोला था कि जो एक्टिव जो ट्रांसड्यूसर होते हैं उसको आपका जो एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, तो बोल रहा है शेयरिंग ब्रिज इज यूज टू मेजर। तो आपका जो शेयरिंग ब्रिज होता है वो वाइडली यूज होता है आपके कैपेसिटेंस एंड डिसिपेशन फैक्टर मेजरमेंट के लिए, इसका वाइडली यूज होता है। दूसरी बात है ये आपका एक इम्पॉर्टेंट एसी ब्रिज है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन थ्री करेक्ट हो जाएगा जो कि आपका कैपेसिटेंस है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जो कि आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आज आपको लेट नाइट तक आपको जो प्रैक्टिस सेट की मैंने बात किया था उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा एक वीडियो के थ्रू, और उसका कहाँ डिस्क्रिप्शन कहाँ पे आपको वो उसका पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, चाहे जो भी है सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगे। सो आप लोग वेट कर लीजिए, आपको अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12 बजे के अराउंड आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट टाइप ऑफ टेम्परेचर कोफिशियंट डू थर्मिस्टर हैव। सबसे पहले थर्मिस्टर के बारे में जानते हैं। तो थर्मिस्टर आपका रजिस्टर होता है जो कि रेजिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जिसका कि रेजिस्टेंस होता है टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, ये आपके दो टाइप में अवेलेबल होता है। एक आपका होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट थर्मिस्टर और दूसरा होता है आपके पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट थर्मिस्टर। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट टेम्परेचर क्या होता है, जिसका कि रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ, और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट का वाला जो होता है उसका रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ। यहाँ से आपका ऑप्शन थ्री हो जाएगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। तो हम लोग हमारा आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सीएमटी, स्टे ट्यून्ड सीएमटी।